एक तू सच्चा तेरा नाम सच्चा ऋग्वेद के ऋषि कहते हैं सूर्यम विधारे शकमना ज्ञान का सूर्य हमारे मस्तक में उदय होता है। ज्ञान वो नहीं जो संसार की बातों को इकट्ठा कर कर के हम अपने भीतर भर लेते हैं। ज्ञान वो है जो हमारी आत्मा के भीतर से सूर्य के प्रकाश की तरह उदय होता है। शिव सूत्र संख्या 34। इस सूत्र में महादेव शिव कह रहे हैं, ज्ञानम बंधः। संसारी ज्ञान जो बाहर का ज्ञान है हमारी आत्मा में प्रविष्ट होता है, वो ऐसा है जैसे किसी जलते हुए दीपक के ऊपर बहुत सी मिट्टी डाल दी जाए और वो ज्ञान वो ज्योति ढक जाए, छुप जाए, नष्ट हो जाए। वास्तविक ज्ञान क्या है? ज्ञानम निर्बंधः, जो हमें निर्बंध करता है, बंधनों से रहित करता है। ज्ञान दो प्रकार का हुआ, एक वो जो हमारे भीतर से उदय होता है, आत्मा का ज्ञान, परम ब्रह्म का ज्ञान, ये ही परम पुरुषार्थ कहा जाता है, जिसको जानने से जीव आत्मा अपने असल स्वरूप, वास्तविक रूप, ईश्वरीय रूप में स्थित हो जाती है और संसार की तरफ से इकट्ठा किया हुआ ज्ञान ये भूगोल है, ये इतिहास है, ये राष्ट्र है, ये भूमि है, ये खनिज है, ये विज्ञान है, संसार का जो बाहर का ज्ञान है ये हमारी आत्मा के ऊपर एक लेयर्स परत दर परत बनाता चला जाता है और हमारी आत्मा ढकती चली जाती है, पर्दों के बीच और पर्दे, उसके ऊपर और पर्दे, पर्दों के ऊपर फिर और पर्दे। जिस कुल में, जिस जाति में, जिस धर्म में व्यक्ति पैदा हो जाता है, उसी की बातें, उसी के विचार, उसी के संस्कार, उसकी बुद्धि के प्रकाश को ढके रहते हैं। एक ज्ञान की खोज करने वाला व्यक्ति एक माने हुए सिद्ध पुरुष के पास गया, कहा, मुझको ईश्वरीय ज्ञान चाहिए। उन्होंने कहा, लो ये प्याला पकड़ो, खाली प्याला, पहले गन्ने का रस पी लो। उनके पास जग में
रस भरा हुआ है और वो डाल रहे हैं प्याले में और डालते जा रहे हैं और प्याला भर गया है और उबल रहा है। उस जिज्ञासु ने कहा, ऋषिवर आपका ध्यान कहाँ है? ये प्याला तो उबल रहा है, रस तो प्याले से बाहर बह रहा है, आप रस डालना बंद कीजिए, रस बेकार जा रहा है। उन सिद्ध पुरुष ने कहा, ये ही ज्ञान मैं तुमको बताना चाहता हूं। बचपन से लेके वृद्धावस्था तक हम इधर उधर की बातों से इतना भर जाते हैं कि कोई दिव्य पुरुष यदि परमात्मा के प्रकाश की धारा हमारी आत्मा के प्याले में उल्टे डाले उडेले तो वो प्रकाश उसमें रुकता ही नहीं, वो बाहर निकल जाता है। पहले जो तुमने सीख रखा है संसार से, ये पूजा ऐसी पूजा वैसी पूजा, ये है वो है ऐसा है वैसा है, इन सब को इस प्याले को उल्टा कर दो, इसको उंधा दो। संसार के कबाड़ से तुम भर गए हो। ये ज्ञान ज्ञान नहीं जो हमारी आत्मा पे बंधनों को कस देता है। ज्ञानम निर्बंधः, ज्ञान वो है जो हमें निर्बंध बंधनों से मुक्त करता है। स्वामी दयानंद ज्ञान की खोज में, ईश्वर की खोज में निकल गए। ईश्वर कहाँ है, कैसा है, क्या है, कहाँ प्राप्त होगा? स्वामी ब्रजानंद के कुटी पर गए, खटकाया दरवाजा, खटखटाया, भीतर से पूछा कौन है? कहा, गुरुदेव ये ही जानने के लिए मैं आया हूं कि मैं कौन हूं। उन्होंने कहा, तुमने बहुत किताबें ग्रंथ पढ़ लिए हैं और वास्तव में स्वामी दयानंद के पास किताबों की ग्रंथों की एक पोटली गठरी थी। गुरु ने कहा, पहले इन सब किताबों को जमुना जी में बहा दो, फिर मेरे पास आओ, अपने दिमाग को खाली कर लो, शांत कर लो, द्वंद से रहित हो जाओ। और उनको वैसा करना पड़ा, सारी किताबें उठा के जमुना जी में बहा दी। गुरु का वचन, एम्प्टी योर कप, अपने आत्मा के कटोरे को पहले खाली तो करो, उसमें जगह होगी तभी तो परमात्मा का ज्ञान उसमें प्रवेश करेगा। तब स्वामी ब्रजानंद ने उनको वेद, वेद माने ईश्वरीय ज्ञान, उस ईश्वरीय ज्ञान की शिक्षा देना उनको प्रारंभ किया। पांच तत्व से तन रचो जानो चतुर सुजान, ये जो हमारा शरीर है पांच तत्व से बना हुआ है, मट्टी पानी आग हवा आकाश, और पांच ही तरह के व्यक्ति संसार में पाए जाते हैं। मट्टी जैसे
जिनमें आलस की अधिकता होती है, कुछ नहीं करते जीवन भर, इधर उधर वक्त खराब करते रहते हैं, पड़े हैं तो पड़े हैं, उनका मन किसी काम में लगता ही नहीं, चारपाई पे पड़े हैं, पूरे दिन पड़े रहते हैं, आलस प्रधान, शरीर मट्टी हो गया, बुद्धि में मट्टी भरी हुई है, कुछ समझ ही नहीं आता क्या करें क्या ना करें, पुरुषार्थ से हीन, सकल पदार्थ हैं जग माही, कर्महीन नर पावत नाही। जब कुछ करेंगे ही नहीं तो मिलेगा कहां से, कहेंगे हम बड़े दुखी हैं। दुखी क्यों हो? बस भाग्य खराब है, कुछ सुख ही नहीं। सुख तो तब मिलेगा जब पुरुषार्थ करेंगे, मेहनत करेंगे, परिश्रम करेंगे, अपने शरीर के लिए, परिवार के लिए, जीवन निर्वाह के लिए। ऐसे व्यक्ति निकम्मे, सोने को भी हाथ लगाएं तो वो भी मट्टी हो जाता है। इन लोगों में पृथ्वी तत्व प्रधान होता है, कुछ करना नहीं चाहते, कितना ही कहो कुछ कर लो, पूरा जीवन बिता देते हैं, पता नहीं कैसे कैसे उनका जीवन चलता है पता ही नहीं। जो उनके साथ रहते हैं वे भी दुखी रहते हैं। कर्मे भ्यो नमः, कर्म को ही नमस्कार है, सत्कर्मों को नमस्कार है। मट्टी जैसे पहला तत्व है मट्टी, जिस पुरुष में, व्यक्ति में पृथ्वी तत्व की प्रधानता होती है उसको बहुत आलस होता है, कई कई दिन तक स्नान नहीं करेंगे, गंदे कपड़े पहने रहेंगे, बदलेंगे नहीं। निकम्मापन, और क्या कहेंगे, अजगर करे ना चाकरी, पंछी करे ना काम, दास मलोका ये कहें सबके दाता राम, परमात्मा बैठे बैठे ही थोड़ी दे रहे। पुरुषार्थ, पुरुषार्थ करो और प्रार्थना कर रहे, भगवान तू हमें दे क्यों नहीं रहा, कहां से देगा जब करते कुछ नहीं, पहले कुछ करो उसके बाद में प्रार्थना करो, तब वो प्रार्थना कबूल होगी, स्वीकार होगी। पहले कर्म, पुरुषार्थ, मेहनत, एक दिन को भी खाली मत बैठो, खाली बैठ के एक दिन भी जो रोटी खाता है वो चोरी का अन्न खाता है। बच्चे हैं छोटे छोटे बेचारे, वो कुछ कर नहीं सकते, घर में महिलाएं हैं, उनकी तो मजबूरी है, लेकिन पुरुष, पुरुष शब्द ही पुरुषार्थ का प्रतीक होता है। एक पुरुष को कभी भी खाली बैठ के नहीं खाना चाहिए। दूसरा तत्व है जल, जल तत्व, ऐसे तरल हृदय लोग होते हैं कुछ, जिनमें जल तत्व की प्रबलता होती है। एक तो उनको खांसी, जुकाम, नजला, सांस की बीमारी, ये रहती है, और दूसरे जरा सा किसी का दुख देखा या खुद को ही जरा सा बुखार हुआ, हाय हाय मर गए, हाय जरा से भी बर्दाश्त नहीं, तरल पानी की तरह बहने लगते हैं। किसी की उंगली में चोट लग गई, हारे हा देखो कैसी चोट लग गई, आंखों से आंसू, दिखावटी आंसू नहीं, वास्तव में उनके आंसू आने लगते हैं, तरल
जल की तरह उनके हृदय बर्फ की तरह पिघल के बहने लगता है। और किसी बच्ची ने बड़ा अच्छा फ्राक पहना हुआ है, बड़ा सुंदर फूलोंदार, तो एकदम से प्रसन्न, हारे हा कैसा अच्छा फ्राक है। बस ऐसे एकदम से तरल होके बहने लगते हैं। जल तत्व प्रदान वाले भावनात्मक, आज की भाषा में कहें तो बड़े इमोशनल, एकदम इमोशनल हो जाएंगे, एकदम रोने लगेंगे, एकदम ऐसे प्रसन्न हो जाएंगे जैसे क्या खजाना मिल गया। ऐसी प्रकृति के लोग होते हैं जल तत्व प्रधान वाले लोग। तीसरा तत्व है वायु, हवा। हवा के झोंके की तरह कभी यहां कभी वहां, कभी नजीबाबाद कभी बाद, कभी नहटौर कभी हल्दौर, कभी दिल्ली कभी बरेली, एक जगह उनका पैर रुकेगा नहीं। दो महिलाएं आपस में बात कर रही थीं। एक बोली, क्या करें, हमारे पति तो घूमते ही रहते हैं, घूमते ही रहते हैं, कभी कहीं कभी कहीं, काम हो तो भी और काम ना हो तो भी। कि अच्छा, तो वे अमेरिका भी गए होंगे। बोली, अरे हाँ, अमेरिका क्या है, वे तो अमरोहे तक हो आए। अमेरिका क्या, वे तो अमरोहे तक हो आए। जैसे अमेरिका तो कोई पास का गांव है और अमरोहा बहुत दूर कोई विदेश। वायु तत्व जिनमें प्रदान होता है उनके सिर में दर्द रहता है, जगह जगह दर्द हो जाता है, एक जगह ठहर नहीं सकते। नारद जैसे लोग यहां गए वहां से कूदे, वहां गए वहां से कूदे, वहां गए, पूरा जीवन ऐसे ही बीत जाता है। एक किसान था, भाइयों ने कहा धान लगाना है, गहन ले आओ, गहन फेरनी है। बोला अभी लाया, रिश्तेदारी में चले गए, उस बात को बोल गए, वहां से फिर और आगे, फिर और आगे, फिर उधर, फिर और उधर, एक साल बाद में गहन कंधे पे रख के ला रहे हैं। बोले ओहो, बड़ी जल्दी आ गए, एक साल में आए हो। उसने गुस्से में मारी पटक के, तेरी जल्दी नहीं मारा, गहन टूट के दो टुकड़े हो गए, कर लो खेती। ऐसे वायु प्रदान लोग हवा की तरह बह रहे हैं, हवा की झोंके की तरह, इधर से उधर, उधर से उधर, उधर से उधर। अग्नि तत्व जिनमें अग्नि तत्व प्रदान होता है, बड़े गुस्सेबाज, जरा जरा से बात में चिड़चिड़ाना, जरा सी बात में क्रोधित हो जाएंगे, अनकरने काम कर डालेंगे गुस्से में, कांवड़ ला रहे हैं वहां से हरिद्वार से, कई महीने पहले से तैयारी की थी, किसी साथी ने कुछ कह दिया, आग बबूला हो गए, दूसरों ने थामा, रोका, पुचकारा, और आगे चले, किसी ने और कुछ कह दिया, फिर नाराज हो गए, फिर गुस्सा, भड़क गई आग। मंदिर के बिल्कुल करीब पहुंच गए जहां कांवड़ चढ़ानी थी और बाहर खड़े हैं, अब बस थोड़ी देर की बात है, फिर किसी ने कुछ कह दिया, ये मारी फेंक के कांवड़, यो पड़ी कांवड़, चढ़ गई कांवड़। गुस्सा, अग्नि, अग्नि तत्व प्रधान, ऐसा गुस्सा किस काम का,
जिसमें आदमी की बुद्धि ही नष्ट हो जाए, क्या करना है क्या नहीं यही पता नहीं। और पांचवा तत्व है आकाश। आकाश तत्व जिनमें प्रबल होता है उदास बैठे रहेंगे, जैसे कोई घर में मर गया हो। पूछो क्या हुआ, क्यों रो रहे हो? रो नहीं रहे, भगवान ने शक्ल ही ऐसी बना दी है। कुछ भी बात हो हंस के नहीं देने के, बिल्कुल खुश नहीं होने के। चाहे कोई बच्चा पास में कान पे आके बोरा बजा दे झुनझुना, तो भी कुछ नहीं, आ हट। शादी विवाह में भी जा रहे हैं तो वहां भी एक तरफ को मुंह फुलाए बैठे हैं जैसे बिलिया कद्दू। होठों पे कभी हंसी मत देखी उनके, कहीं हंसी का भी जिक्र है तो एक तरफ उठ के बैठ जाएंगे, बस कोने में बैठे घूम गुम। बिल्कुल आकाश तत्व की प्रबलता जिनमें होती है, बिना बात के उदास रहते हैं। और इन्हीं तत्वों के पॉजिटिव असर है। मट्टी तत्व प्रदान वाला स्थिर बुद्धि हो जाता है अगर उसमें पॉजिटिव अप्रोच है। हिंदी में क्या कहेंगे, सकारात्मक गुण अगर उस तत्व के हैं। स्थिर बुद्धि, कितने ही संकट आए हिलने का नहीं, शांत। और जल तत्व, कितना ही कोई क्रोध दिलवावे जल की तरह शीतल बने रहेंगे। वायु तत्व का पॉजिटिव असर क्या है, भाग भाग के काम करेंगे, भाग भाग के काम करेंगे, जल्दी जल्दी काम करेंगे, कुशलता पूर्वक, हबड़ तबड़ में काम खराब नहीं, कुशलता से, ज्ञान पूर्वक। और जिनमें अग्नि तत्व प्रधान है पॉजिटिव, उसका पॉजिटिव रेस्पॉन्स ही आएगा कि वो बड़े ऊर्जावान हो जाते हैं, शक्तिवान हो जाते हैं। और आकाश तत्व का पॉजिटिव व्यू जिनमें आएगा वे व्यापक, सबके काम संवारने वाले, आकाश की तरह व्यापक, मेरे तेरे का भेद नहीं करने वाले, सबके उपकार में लग जाते हैं ऐसे लोग। ज्ञान बुद्धि, ज्ञान हमारे भीतर जब उदय होता है तो ये तत्व हमारा सहयोग करने लगते हैं। और जब ज्ञान तत्व नष्ट रहता है तो ये तत्व हमारे विरोधी हो जाते हैं। और ये सहयोग हमें कैसे प्राप्त होता है, परम ब्रह्म की आराधना से। और वो आराधना अंतरात्मा में, अपनी ही आत्मा में, मस्तक में जो ज्योति परम ब्रह्म की जाग रही है रात दिन, उस ज्योति में ध्यान लगाए हुए उस परम ब्रह्म का सिमरन सांस सांस के साथ, एक दो सच्चा तेरा नाम सच्चा, इस तरह से, तो ये सूर्य ज्ञान का उदय हो जाता है। ज्ञान रूपी सूर्य हमारी आत्मा में उदय होता है। इसी श्रृंखला में चार प्रकार के व्यक्ति और माने गए हैं, भीतर से कठोर, बाहर से कठोर। पत्थर उठा लो, पत्थर बाहर से भी कठोर है और अंदर से भी कठोर है। साबुत सुपारी
बाहर से भी कठोर, अंदर से भी कठोर, ऐसे लोग ठीक नहीं होते। दूसरी तरह के लोग होते हैं, बाहर से बड़े कोमल, बेर जैसे लुभावने, मृदु, अंदर गुठली कठोर। बेर में दांत मारा और दांत टूटने ही वाला है बस, ऐसे लोग भी ठीक नहीं होते। बाहर से अच्छाई और मृदुता का दिखावा करें और भीतर कुटिलता, नहीं। तीसरे होते हैं बाहर से कठोर और भीतर से मृदु। बाहर से जैसे नारियल का छिलका कठोर होता है, अंदर गोला है। बाहर अखरोट सख्त छिलका है और भीतर मृदुता, गिरी बादाम, बाहर से कठोर अंदर से कोमल, ऐसे लोग भी ठीक नहीं होते। बाहर भीतर जो मृदुमान है, जैसे लड्डू बाहर से भी मीठा और भीतर से भी मीठा, गुड़ बाहर से भी मीठा अंदर से भी मीठा, अंगूर बाहर से भी मीठा अंदर से भी मीठा, ऐसा हमारी आत्मा को होना चाहिए। कश्यप ऋषि, इन कश्यप ऋषि से 23 वंश चले। उनकी एक पत्नी थी कद्रु, जिनसे नाग वंश प्रारंभ हुआ। शेषनाग, अनंतनाग, तक्षत, कंबल, कालिया, पद्मनाभ, नौनाग और 68 कुली इनकी प्रारंभ हुई। ये मनुष्य ही थे, नाग इनका चिन्ह था और ये नाग जाति कही जाती थी। कश्यप ऋषि की ही एक पत्नी थी बनीता, उनके 2 पुत्र थे अरुण और गरुड़। जो बड़े पुत्र थे अरुण, वो सूर्य के रथ पे सारथी बने और गरुड़ विष्णु के वाहन और सेवक और मित्र बने। समुद्र मंथन जब हो रहा था तो उसमें उच्चैव श्रवा नाम का श्वेत घोड़ा निकला, ऐरावत हाथी निकला था, वो तो इंद्र को दे दिया, बंटवारा हो रहा था। और उच्चैव श्रवा घोड़ा निकला तो बिल्कुल सफेद। अब ये दोनों बनीता और कद्रु, नागों की माता कद्रु और गरुड़ की माता बनीता, दोनों देख रही थी दूर से। बनीता ने कहा, देखना कितना सफेद घोड़ा है, कैसा अच्छा है। बोले कहां, इसकी पूंछ तो काली है। बोले बिल्कुल नहीं, पूंछ भी सफेद है। अरे ना, तुझको नहीं दिख रहा काली है पूंछ, जबकि पूंछ काली नहीं थी, सफेद ही थी। दोनों में शर्त लग गई। नागों की माता ने कहा, अगर काली हुई तो कि मैं तेरी दासी और मेरी संतान तेरी संतान के दास रहेंगे, जा कि अब तो शाम हो गई है, सुबह को देखेंगे। तो रात रात में उन नागों की माता ने अपने पुत्रों को, नागों को कहा, तुम छोटे छोटे सांप बन जाओ, अपनी माया से सांप बन जाओ काले काले, और घोड़े की पूंछ से जाके लिपट जाओ, और सुबह को जब सूर्य उदय होगा तो मैं दिखा दूंगी, देख काले काली पूंछ है या नहीं। धोखा, षड्यंत्र। कुछ नागों ने
उसकी बात नहीं मानी। कहा, माँ तू तो ये अधर्म कर रही है, झूठ बोल रही है, हम तेरे झूठ में शामिल नहीं। कुछ ने मान ली बात और वे पूंछ पर जाके लटक गए, पतले पतले सांप काले बन गए। और सुबह हुई और कहा, देख पूंछ काली है या नहीं। बोले हाँ, शाम तो नहीं दिख रही थी, अब कैसे हो गई। कि नहीं, शाम भी थे। उसने दासत्व स्वीकार कर लिया, गरुड़ की मां नागों की मां की दासी बन गई और गरुड़ नागों के दास बन गई। कपट से, छल से ब्रह्मा जी ने ये देखा तो उनको शाप दे दिया नागों को, तुम लोग असत्य को सत्य कहते हो, तुम लोगों का विध्वंस हो जाएगा, तुम लोग उस परमात्मा अंतर्यामी से भयभीत नहीं, तुम उसके दंड विधान को नहीं जानते। और ऐसा ही हुआ। जनमेजय के समय में जनमेजय ने नाग यज्ञ किया और चुन चुन के इस तरह का यज्ञ हुआ कि सांप कितने ही उसमें भस्म हो गए, नाग जाति नष्ट होने को तैयार हो गई। तब उन्हीं के वंश में वासुकी नाग का भांजा आस्तिक मुनि शेष नाग जो थे बड़े धर्मात्मा थे, तपस्वी थे, उन्होंने ब्रह्मा जी के चरण पकड़े, प्रभु क्षमा कीजिए, हमारा वंश नष्ट नहीं होना चाहिए। कहा, ठीक है, तुम्हारे वंश में तुम्हारा भांजा होगा, तुम्हारी बहन जरत्कारु जिसको मनसा देवी कहते हैं, उनका पुत्र जरत्कारु वो तुम्हारे वंश की रक्षा करेगा और बचेंगे वे ही जो धर्मात्मा नाग हैं। उस वक्त में नागों का विध्वंस हो गया, जो असत्य को सत्य करके स्थापित करते रहते हैं वे नष्ट हो जाते हैं। जो उस परम ब्रह्म आदि पुरुष परमात्मा के सत्य में स्थित हो जाते हैं वे उस अविनाशी परमात्मा के संग अविनाशी तत्व को प्राप्त होते हैं। अथर्ववेद के ऋषि कहते हैं कि वो परमात्मा अनंत काल से सितारों में विचरण करता था, असंख्य ज्योतिर्मान आत्माएं उसके पीछे पीछे फिरती थीं। उन्होंने कहा, आत्माओं ने, परमात्मा तू कहीं बैठता क्यों नहीं। बोला, कहां बैठूं, मेरे बैठने के लिए स्थान कहां है, स्थान बनाओ। कहा, प्रभु कैसा स्थान बनाए। कहा, अपने हृदय का सिंहासन बनाओ, वेद मंत्रों से इस के चार पाए बनाओ, चार वेदों के चार पाए बनाओ, सामगान से इसको सजाओ, तब मैं इस पे बैठूंगा। जब वो नील गगन में चले है रोशनी की धूल से उड़े है,
अब वो नील गगन में चले हैं, वो नील गगन में चले हैं, रोशनी की धूल सी उड़े हैं, रोशनी की धूल सी उड़े हैं, उसके पैरों के निशान है ये चांद तारे नौ लख तारे, उसके पैरों के निशान है ये चांद तारे नौ लख तारे, जब वो नील गगन में चले है, जब वो नील गगन में चले है, रोशनी की धूल सी उड़े है, रोशनी की धूल सी उड़े है। मैं सातों आसमानों को अपनी पीठ पे उठाए फिरता, मैं सातों आसमानों को अपनी पीठ उठाए फिरता, उसकी याद में उसकी रोशनी पलकों पे उठाए फिरता, उसकी याद में उसकी रोशनी पलकों पे उठाए फिरता, जब वो नील गगन में चले है, जब वो नील गगन में चले हैं, रोशनी की धूल सी उड़े हैं, रोशनी की धूल सी उड़े हैं, उसके पैरों के निशान है ये चांद तारे नौ लख तारे, उसके पैरों के निशान है ये चांद तारे नौ लख तारे, जब वो नील गगन में चले है, जब वो नील गगन में चले है, रोशनी की धूल सी उड़े है, रोशनी की धूल सी उड़े है। उसके दामन को चूमते फरिश्ते उसके पीछे पीछे चलते, उसके दामन को चूमते फरिश्ते उसके पीछे पीछे चलते, जैसे ठंडी हवा के झोंके सागर के किनारे चलते, जैसे ठंडी हवा के झोंके सागर के किनारे चलते, जब वो नील गगन में चले है, जब वो नील गगन में चले है, रोशनी की धूल सी उड़े है, रोशनी की धूल सी उड़े है, उसके पैरों के निशान है ये चांद तारे
नौ लख तारे, उसके पैरों के निशान है ये चांद तारे नौ लख तारे। जब वो नील गगन में चले हैं, जब वो नील गगन में चले हैं, रोशनी की धूल सी उड़े हैं, रोशनी की धूल सी उड़े हैं। उसकी मोहब्बत कब तक सीने में छुपा के रखता, मैं उसकी मोहब्बत कब तक सीने में छुपा के रखता। परमात्मा का घर बन जाता मैं कदम जहाँ भी रखता, परमात्मा का घर बन जाता मैं कदम जहाँ भी रखता। जब वो नील गगन में चले हैं, जब वो नील गगन में चले हैं, रोशनी की धूल सी उड़े हैं, रोशनी की धूल सी उड़े हैं, उसके पैरों के निशान हैं ये चांद तारे नौ लख तारे, उसके पैरों के निशान है ये चांद तारे नौ लख तारे। जब वो नील गगन में चले है, जब वो नील गगन में चले है, रोशनी की धूल सी उड़े है, रोशनी की धूल सी उड़े है। क्या वेद पुराण का पढ़ना धरो ध्यान नैन में उसके, क्या वेद पुराण का पढ़ना धरो ध्यान नैन में उसके। कोई अलग जिस्म से ज्योति जब सांस मिली सांस में उसके, कोई अलग जिस्म से ज्योति जब सांस मिली सांस में उसके। जब वो नील गगन में चले है, जब वो नील गगन में चले है, रोशनी की धूल सी उड़े है, रोशनी की धूल सी उड़े है, उसके पैरों के निशान है ये चांद तारे नौ लख तारे, उसके पैरों के निशान है ये चांद तारे नौ लख तारे। जब वो नील गगन में चले हैं, जब वो नील गगन में चले हैं,
रोशनी की धूल सी उड़े है, रोशनी की धूल सी उड़े है। क्या वाद विवाद का करना जब सामने मेरे अविनाशी, क्या वाद विवाद का करना जब सामने मेरे अविनाशी। किसको उपदेश करूं मैं खुद तीर्थ खुद काशी, किसको उपदेश करूं मैं खुद तीर्थ खुद काशी। जब वो नील गगन में चले है, जब वो नील गगन में चले है, रोशनी की धूल सी उड़े है, रोशनी की धूल सी उड़े है। उसके पैरों के निशान है ये चांद तारे नौ लख तारे, उसके पैरों के निशान है ये चांद तारे नौ लख तारे। जब वो नील गगन में चले है, जब वो नील गगन में चले है, रोशनी की धूल सी उड़े है, रोशनी की धूल सी उड़े है। आत्मा के फूलों को जिसने गुरु के चरणों पे चढ़ाया, आत्मा के फूलों को जिसने गुरु के चरणों पे चढ़ाया, कहीं फूल संदेह वाले बाबा उसने पार ब्रह्म को पाया, कहीं फूल संदेह वाले बाबा उसने पार ब्रह्म को पाया। जब वो नील गगन में चले है, जब वो नील गगन में चले है, रोशनी की धूल सी उड़े है, रोशनी की धूल सी उड़े है। उसके पैरों के निशान है ये चांद तारे नौ लख तारे, उसके पैरों के निशान है ये चांद तारे नौ लख तारे। जब वो नील गगन में चले है, जब वो नील गगन में चले है, रोशनी की धूल सी उड़े है, रोशनी की धूल सी उड़े है। जब वो नील Look.
चले हैं रोशनी की धूल सी उड़े है। ऋग्वेद के ऋषि कहते हैं देवो देवे धेरा गमत। वह अमृत पुरुष परमात्मा प्रकाश की धूल उड़ाता हुआ, अमृत कणों को बरसाता हुआ, देव गणों को साथ लिए मेरी तरफ को आता है। कब? जब मेरी आत्मा असत्य से रहित हो जाती है, जब मेरी आत्मा अज्ञान के अंधकार से खाली हो जाती है। भगवान शिव कहते हैं इस सूत्र में, ज्ञानम निर्बंध। ज्ञान वो है जो हमें निर्बंध बंधनों से अलग कर देता है, झूठ से, छल से, कपट से, मिथ्यावाद, बनावट, अभिमान, ये सब हमारे जीवन को नष्ट भ्रष्ट कर डालते हैं। थोड़ा सा सामवेद आप सुने। सामवेद भाग 80 ऋचा संख्या 1430 ऋषि नरमेध, ऐसा ऋषि जो मनुष्यों के बीच में रह के उनके जीवन को उच्चता में ले जाता है, संसार के परेशानियों से डर के भयभीतों के गुफाओं में नहीं बैठ जाता, ऐसा ऋषि देवता इंद्र परमात्मा के सम्राट जैसे रूप का वर्णन, छंद अनुष्टुप स्वर गांधार, तत्ते यज्ञो अजायत तदर्क उतहस्तकृति तद्विश्वमभिभूरसि यज्जतमयच्च जन्त्वम। जिसने अपने मन को विजित किया, जीत लिया, वह पूरे विश्व को जीत लेता है। वह शांत आत्मा बनकर उस परम ब्रह्म की अमृत धाराओं का पान करता है। जिसने स्वयं को जीता उसने विश्व जीता। जिसने स्वयं को जीता उसने विश्व जीता, शांत आत्मा बनके अमृत वो पीता। जिसने स्वयं को जीता उसने विश्व जीता, शांत आत्मा बनके अमृत पीता। शांति उसी को मिलती संसार में, जो नहीं भटकता द्वंद्व अंधकार में। शांति उसी को मिलती संसार में, जो नहीं भटकता द्वंद्व अंधकार में। जिसने स्वयं को जीता
उसने विश्व जीता, जिसने स्वयं को जीता उसने विश्व जीता। शांत आत्मा बनके अमृत वो पीता, जिसने स्वयं को जीता उसने विश्व जीता। शांत आत्मा बनके अमृत वो पीता। सुनो पामोरमी देवस परी अयक्षम बृहति ऋषः, अयक्षम बृहति ऋषः। हे पार ब्रह्म अपने लोक से हम पे अमृत कणों की वर्षा कर दे। हे पार ब्रह्म अपने लोक से हम पर अमृत कणों की वर्षा कर दे। हमको बना तू विशाल हृदय, जैसा तू चाहे हमको वैसा कर दे। हमको बना तू विशाल हृदय, जैसा तू चाहे हमें वैसा कर दे। जिसने स्वयं को जीता उसने विश्व जीता, जिसने स्वयं को जीता उसने विश्व जीता। शांत आत्मा बनके अमृत वो पीता, जिसने स्वयं को जीता उसने विश्व जीता। शांत आत्मा बनके अमृत वो पीता, शांत आत्मा बनके अमृत वो पीता, शांत आत्मा बनके अमृत वो पीता, शांत आत्मा बनके शांत। ओम शांति शांति शांति। यह सामवेद हमारे देवताओं की धरोहर है, उनका अमृत प्रसाद है हम मनुष्यों के लिए, जिसको सुनना भी बिना भाग्य के बिना नसीब के किसी के कान में ये सामवेद पढ़ नहीं सकता। इक तू सच्चा तेरा नाम सच्चा।